एक बार भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन और दौलत की प्राप्ति होगी और वह उस धन दौलत को अपनी प्रजा को और सुख देने में प्रयोग करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवीय तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उनसे उनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित महालक्ष्मी ने बताया, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में कलेश होता था और उसका पति रोज उससे झगड़ा करता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने ही हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरीके से किया जाए इस बारे में पूछने लगी। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को यह सब बातें बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो रही थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आई हुई बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उसके द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस तरह रूखा वर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं,
तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। तब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोल कर देखा, पर हाय राम, यह क्या, घड़े में धन दौलत के बदले कोयले मिले। वह सब श्री माँ लक्ष्मी के प्रकोप के कारण ही हुआ था। इस तरह ही दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। उसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसको कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने किसी बात का बुरा नहीं माना। उसने अपने पिता के घर से लौटते हुए थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर आने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। उसके पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, उससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इसीलिए कहते हैं, इस तरह से जो श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति और संपत्ति प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।